झारखंड के जमशेदपुर जिले में किन्नरों ने प्राइड मार्च निकाला है। ये मार्च साक्ची के शहीद चौक से निकाली गई, पूरे शहर का भ्रमण करते हुए जुबली पार्क गेट पर मार्च का समापन किया गया। मार्च निकालने के बाद किन्नरों ने खुशी जाहिर की। उनका हौसला अफजाई करने के लिए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। किन्नरों का हौसला अफजाई करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि समाज में इनको जगह और पहचान भी मिल गई है। पिछले दिन टाटा स्टील कंपनी ने किन्नरों को नौकरी दी। कई ऐसे राज्य हैं जहां किन्नर विधायक भी हैं, कुछ जगहों पर किन्नर मेयर भी हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी किन्नरों ने अपनी पहचान बनाई है। एकता को हम दिखा रहे हैं। प्राइड मार्च हमेशा हम करते आ रहे, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से दो सालों से हम नहीं कर पाए, लेकिन आज बहुत खुशी के साथ, क्योंकि हमारे बीच आज दूसरे राज्य के जो ट्रांसजेंडर है मौजूद है, क्योंकि आज वो टाटा स्टील में एम्प्लॉय है, जो बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आज बहुत बड़े चेंज को हम ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज रोटरी क्लब हमारे बीच है, जलपा मैम हमारे बीच है, दूसरी मैम हमारे साथ है, इन्होंने भी शुरुआत करी और इन्होंने भी अपनी कंपनी में त्रितलिंग समुदाय को जॉब देने की बात कही, और उन्होंने बात नहीं करी जबकि दो तारीख से वो अपने यहाँ पे उनको ले भी रहे, जो बहुत बड़ी बात है कि चेंज आ रहा है, तो चेंज को आज हम देख रहे हैं। थर्ड जेंडर के प्राइड मार्च में उपस्थित हूँ मैं। इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामना देने आया हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको मुख्य धारा में, हम सारे लोग इनको मुख्य धारा में अपने परिवार की तरह जोड़ें और रखें। और वैसे भी संविधान ने धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है, और मैं बहुत परमात्मा के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ। और बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग भी हैं और देश की कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने इनके मौलिक अधिकार को समझा है, परखा है, और इनको सरकारी नौकरियों में भी, अभी हमने देखा कि टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं, और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवाणी न्यूज़।